चलो उठो, खाना खा लो, पढ़ लो। ऐसे कई ऑर्डर्स हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में सुनते हैं और इनमें से कुछ ऑर्डर्स को हम फॉलो करते हैं और कुछ ऑर्डर्स को यूं ही जाने देते हैं। पर अगर यही ऑर्डर हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मिले तो क्या हम इन ऑर्डर्स को अवॉइड कर पाएंगे? और ऐसे ही कुछ ऑर्डर्स को हम कहते हैं रिट्स। तो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में, और आज हम बात करेंगे अबाउट व्हाट आर रिट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिट्स गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर फ्यू फंडामेंटल राइट्स व्हिच हैव बीन गारंटीड टू एन इंडियन सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड रिट्स आर द लीगल ऑर्डर्स व्हिच हैव बीन गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर हमें हमारे मूल अधिकारों को इस्तेमाल करने से रोका जाता है तो रिट्स वो ऑर्डर्स हैं जिनसे हम अपने मूल अधिकारों को यानी कि अपने फंडामेंटल राइट्स को सेफ कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ये जो ऑर्डर्स हैं ये पांच तरीके के होते हैं, यानी कि देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ रिट्स। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ रिट इज कॉल्ड हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस में अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस व्यक्ति को अपने सामने प्रेजेंट होने का ऑर्डर देते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ रिट्स इज कॉल्ड मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड। अब समझना ये है कि यहाँ पर कौन किसे कमांड कर रहा है। तो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑनरेबल हाई कोर्ट कमांड कर रहे होते हैं पब्लिक ऑफिशियल को। अब पब्लिक ऑफिशियल को क्यों कमांड किया जा रहा है? या तो उस पब्लिक ऑफिशियल ने अपनी ड्यूटी में कोई गलती की है या फिर अपनी ड्यूटी ही करने से मना किया है। तो ऐसे किसी भी केस में जब एक पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट गलत पाया जाता है तो इस तरीके का रिट्स उसके अगेंस्ट पास किया जाता है। तो आई होप आपको आज के एपिसोड में रिट्स के बारे में जानकर बहुत मजा आया होगा, और अगर मजा आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। रेस्ट ऑफ द रिट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन इस एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। मेरा सवाल है कि रिट्स पास करने का अधिकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कौन से आर्टिकल्स के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किया है? अंडर विच आर्टिकल्स हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर बीन गिवन राइट टू पास द रिट्स? आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं इसका जवाब आपके साथ अगले एपिसोड में जरूर डिस्कस करूंगी। चलिए तब तक के लिए सत्यमेव जयते।